दुनिया का कोई भी देश आ जाए, लेकिन एटलीस्ट हमें इसराइल से ये सबूत नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मसले में उसका क्या स्टैंड है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर इसराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत के पक्ष में वोटिंग करनी हो या फिर कारगिल युद्ध के समय भारत को हथियार और बाकी किसी भी प्रकार की मदद करनी हो। भारत और इसराइल की दोस्ती तो इतनी पक्की है कि एक समय पर भारत और इसराइल की एजेंसीज आपस में मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहे थे। अब पिछले कल क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर भारत और इसराइल के बीच एक छोटा सा विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते इसराइल के जो भारत में एम्बेसडर है उन्होंने भारत से इसके लिए माफी भी मांगी। दरअसल इसराइल की सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक वर्ल्ड मैप अपलोड किया गया। इस वर्ल्ड मैप के ऊपर भारत का भी कुछ पार्ट दिखाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो इस मैप में आधा कटा हुआ दिखाया गया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया है और अक्साई चीन चाइना की बाउंड्री के अंदर है। फिर क्या था, जैसे ये मैप इंडियंस ने देखा, ट्विटर के ऊपर सारे भारतीय लोगों ने इस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसराइल के भारत में एम्बेसडर से लेकर इसराइल की सरकार, इसराइल का विदेश मंत्रालय और यहाँ तक कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तक को टैग करके ये मांग रखी गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए इस मैप को तुरंत डाउन किया जाए। जैसे ये बात इसराइल की सरकार तक पहुंची, इसके तुरंत बाद इसराइल के जो भारत में एम्बेसडर हैं उन्होंने इसमें इंटरवीन करते हुए अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी की। इसराइल के भारत में एम्बेसडर रियोवेन अजर ने कहा कि ये जो मैप था जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को भारत से अलग दिखाया गया है, ये वेबसाइट के एडिटर की गलती है। हमने इस मैप को अपनी वेबसाइट से डाउन कर लिया है, हमें ये नोटिस करवाने के लिए धन्यवाद। इजरायली एम्बेसडर ने बताया कि वो जल्द ही नए मैप के साथ अपनी वेबसाइट में बदलाव कर लेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये उस वेबसाइट का है जिसके ऊपर वो मैप लगाया गया था। इजरायल सरकार की वेबसाइट इस समय डाउन है और जब हम ये वीडियो बना रहे थे तब तक इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहा था। अब जब इजरायल न्यू मैप के साथ अपनी वेबसाइट को दोबारा से लाइव करेगा तो हम आपको वो भी शो करेंगे। अब इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर बात करें तो होता क्या है कि गूगल अर्थ से लेकर एडोब, फाइनल कट, डाविंसी और भी जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर जो वर्ल्ड मैप होता है उन सब में बाय डिफॉल्ट जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को इसी तरह से शो किया जाता है। और सारी इंटरनेशनल कंपनीज एक तरह से एक रूल को फॉलो करती हैं, जो देश जिस एरिया को कंट्रोल करता है उस एरिया को उसी की बाउंड्री के अंदर शो किया जाता है, फिर चाहे वो डिस्प्यूटेड रीजन हो या फिर उसके ऊपर कोई और देश क्लेम करता हो। जैसे कि पीओके इस समय पाकिस्तान के अंडर है, इसलिए पीओके को पाकिस्तान के मैप पे शो किया गया है। वहीं पर अक्साई चीन इस समय चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, इसलिए अक्साई चीन को चाइना के मैप में शो किया गया है। और अगर किसी पर्टिकुलर देश के वर्जन का मैप डालना हो तो उसके लिए उसको अलग से डाउनलोड करके एडिटिंग के समय इंपोर्ट करना पड़ता है। और सभी देशों के अलग अलग वर्जन के मैप्स होते हैं। जैसे भारत के वर्जन में पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर हमारे अंडर होता है, सेम वैसे ही पाकिस्तान भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपने मैप में शो करता है और चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने एरिया में शो करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसराइल की सरकार का जम्मू कश्मीर को लेकर स्टैंड रातों रात चेंज हो गया था। इसराइल की गवर्नमेंट के वेबसाइट के एडिटर की ये गलती थी कि उसने जब ये मैप वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया तो उसने भारत के वर्जन वाले मैप को चेंज नहीं किया। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के मैप के ऊपर भी कई बार ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब पॉजिटिव बात यह है कि भारत के लोगों के विरोध करने पर इसराइल की सरकार, इसराइल के भारत में एम्बेसडर, इन सब ने रिस्पॉन्ड किया और गलती मानते हुए वेबसाइट से मैप डाउन कर लिया। इससे पता चलता है कि इसराइल की सरकार भारत और भारत के लोगों को कितनी अहमियत देती है।